क्या आपको पता है इंटरनेट कब क्रैश हुआ था या कभी इंटरनेट क्रैश हो सकता है? और क्या ऐसा ग्रह भी है जो सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को मिलाकर उनसे दोगुना है? और क्या कभी एक पिज्जा डिलीवरी के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे? तो ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ फैक्ट ऑफ वर्ल्ड। आज हम कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको तो पता होगा कि रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू भी ना निकले? जी हाँ दोस्तों, एक न्यू बोर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते हैं। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक चलता है, क्योंकि उस समय उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये तो आप सब जानते होंगे कि प्याज काटते समय आंखों से आंसू आना आम बात है। ऐसा उस गंग के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है, जिसके कारण आंसू निकलते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर प्याज काटते समय चिंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि चिंगम खाते समय हम ज्यादातर मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए हमारे टीयर ग्लैंड्स इफेक्टेड नहीं होते और आंसू नहीं निकलते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि आज के टाइम में इंटरनेट कितना फास्ट हो गया है और काफी स्मूथली भी चलता है, लेकिन क्या आपको पता है एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन 25 जून 2009 था, क्योंकि उस दिन पोप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी और उनके बारे में इन 3 बड़ी साइटों में सर्च कर रही थी, जिसके कारण से इंटरनेट क्रैश हुआ था। फैक्ट नंबर 4, आप तो ये जरूर जानते होंगे कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको ये आइडिया है ये कितना बड़ा होगा? अगर आप सभी प्लैनेट्स को मिला दे तो भी जुपिटर अकेले उनका दोगुना होगा। अगर आप सिर्फ पृथ्वी से उसको कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी एक अंगूर का दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल के बराबर होगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी फ्री है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2001 में जो पिज्जा डिलीवरी हुई थी वो कुछ 100,000 या 1,00,000 नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हुई थी। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरो की डिमांड पर एक रिसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज्जा हट ने 6 इंच के इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।